इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा। तो ऐसे हम चार चार फंदे देंगे, चार 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 चार, और दो फंदा हमारा एक्स्ट्रा आना चाहिए एज स्टिच के लिए, तो डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही हमें बुनना है, ऊन को अपनी तरफ करना है और सीधा बुनना है। प्रत्येक फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन उसके पहले हमें ऊन को अपनी तरफ कर लेना है। ऊन को अपनी तरफ किया, फिर सीधा बुन लिया, ऊन को अपनी तरफ किया और सीधा बुन लिया। तो इसी तरह करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। लास्ट फंदा, इसे हम सीधा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब हम चार फंदों को खोलेंगे, एक को, ये जो चढ़ाया हुआ था इसे हम नीचे गिरा देंगे तो ये फंदे पड़े हो जाएंगे। तो दो तीन चार, चार फंदों को लिया। अब पहले दूसरे को हम ऐसे उठाएंगे और अगले दो को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। देखिए, अब फिर इन चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट चार फंदे हम खोलेंगे, एक दो तीन चार। फिर पहले दूसरे को ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। अब चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट चार फंदों को खोलेंगे और पहले दूसरे के ऐसे उठाएंगे और तीसरा चौथा इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। और अब इन चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, चार चार फंदे खोलते जाना है। पहले दूसरे के अंदर से तीसरे चौथे को निकाल लेना है, फिर इन चारों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चारों फंदों को हम पूरी सिलाई में दोहराएंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है। अब फिर हम सामने की तरफ है, ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन को चढ़ाकर वापस अपने ऊन को सिलाई पे चढ़ाएंगे, अगले फंदे को सीधा, यानी हम अपना पहला लाइन रिपीट करेंगे। सामने की तरफ से हमें पहला लाइन ही रिपीट करना है, सभी फंदे सीधा बुनना है और उसके पहले हमें ऊन को चढ़ाकर दूसरी तरफ ले जाना है। डिजाइन का चौथा लाइन और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो, और फिर यहाँ से हमारा चार फंदों का पैटर्न चालू होगा। चार फंदा ऐसे खोलेंगे और फिर पहले दूसरे के अंदर से तीसरे चौथे को निकालेंगे। तीन फंदा हम बुनने के बाद फिर ये चार फंदे का पैटर्न शुरू करेंगे और इन चारों को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर चार फंदा खोलेंगे, एक दो तीन और चार,
सारा फंदा खोलेंगे, पहले दूसरे को उठाएंगे और उसके अंदर से तीसरे चौथे को निकालेंगे। अब इन चारों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। बेसिकली ये हमारा दूसरा लाइन ही है, लेकिन अब की हम बेसिकली ये हमारा दूसरा लाइन ही है लेकिन अब की डिज़ाइन इन दो डिज़ाइन के बीच में बनेगा। देखिए ये इन दो डिज़ाइन के बीच में ये डिज़ाइन बनेगा, इसीलिए हमने तीन फंदा बुनने के बाद डिज़ाइन स्टार्ट किया है। अब फिर चार फंदा हम खोलेंगे और पहले दूसरे के अंदर से हम तीसरे चौथे को निकाल लेंगे। फिर चारों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। लास्ट में तीन फंदा बचेगा तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर देखिए हम सामने की तरफ आ गए हैं, इस तरह ये पैटर्न बनता चला जाएगा। फिर सामने की तरफ आ गए हैं, वैसे ही हमें हर फंदे को सीधा बुनना है लेकिन सिलाई को अपनी तरफ करके तब सीधा बुनना है। उन अपनी तरफ किया सीधा बुना, फिर उन अपनी तरफ किया सीधा बुना, उन अपनी तरफ किया सीधा बुना। तो मैं थोड़ा सा बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला गया है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।